हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आज फिर से एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। जो पहली बार आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और आज का वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ आपको, बस बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ये मेरे पास है ड्रॉअर डिवाइडर, ये 6 पीस का सेट होता है और ये आपकी ड्रॉअर वगैरह को, कबर्ड को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प करता है। तो ये मेरे पास 6 पीस हैं और इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं भी आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि मैं किस टाइप का मटेरियल है इसका। ये प्लास्टिक मटेरियल है प्रॉपर पूरा और बहुत ही अच्छा है, मतलब इजी टू यूज़ प्रोडक्ट है ये। मैं जो भी प्रोडक्ट आपको बताती हूँ, सभी जो अगर मैं जेन्युइन बात करती हूँ, वो सारे प्रोडक्ट जेन्युइन ही अच्छे होते हैं और जो नहीं अच्छे होते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता देती हूँ। तो देखो, ये वाला जो है प्लास्टिक का बना हुआ है और इसमें इस तरह के ये पार्ट्स आप देख सकते हो, ये कट्स इसमें दिए हैं। तो ये इसमें इसे इस तरह से हमें इसको अंदर फिक्स करना है एक दूसरे के। तो ये 6 पीस हैं तो आप 3 आप वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल आप इस तरह से आप एक स्क्वायर बॉक्स इन इसके थ्रू बना सकते हो। देखो, मैं आपको वीडियो में जल्दी जल्दी बना के दिखाती हूँ। तो ये भी आप अपने टोटली आपके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसे आपको यूज़ करना है, कितना बड़ा कंपार्टमेंट आपको चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, आप 2 या 3 पीस के अकॉर्डिंग भी आप इसको कैसे भी सेट कर सकते हो। तो मैं अभी जस्ट रफली आपको एक लगा के आइडिया दे रही हूँ कि आप इसको अपनी ड्रॉअर में, कबर्ड में, आप इसको टेबल ऑर्गेनाइज़र भी, अगर आप नहीं ही चाहो ना ड्रॉअर में, तो आप इसको नॉर्मली टेबल पे भी ऐसे डिवाइडर बना के यूज़ कर सकते हो। उसका पिक मैं साइड में भी लगा देती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। तो आप इस तरीके से अलग अलग टाइप के अपने अकॉर्डिंग कंपार्टमेंट्स बना सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं डिवाइड और इसको सब तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैं वीडियो और स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगी, तो उसमें आप देखिएगा कि कैसे आप इसको अपने अकॉर्डिंग पूरा अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम सारी चीज़ें ऐसे मैसी मैसी करके छोड़ देते हैं ना। आप इसमें लिपस्टिक, आप इसमें ब्रशेज, आप इसमें मिरर, आप कुछ भी हैंकी या जो भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप कबर्ड में भी इसको ड्रॉअर में लगा सकते हैं, आप नॉर्मली किसी भी ड्रॉअर में भी इसको सेट कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपको कम यूज़ करने हैं तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं और आपको ज़्यादा यूज़ करने हैं तो आप ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं जी। मैं हाँ, इसका एक बार ना साइज़ और आपको बता देती हूँ कि इसका क्या साइज़ है। तो मैं एक फटाफट से ये निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये 12 इंचज़ का ठीक है। और वेट भी मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। वेट है इसकी 2.6 इसकी वेट है। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। एक और मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है फोल्डिंग हैंगर। ये देखिए गाइस, ये फोल्डिंग हैंगर का रिव्यू मैं आज करने वाली हूँ और ये कैसे हैं, क्वालिटी वाइज ठीक हैं या नहीं, और आपको इनको लेना चाहिए या नहीं, तो ये बताती हूँ। इसमें अलग अलग कलर्स हैं मेरे पास। अभी ये 6 पीसेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, 2 ब्लैक 2 ग्रीन एंड 2 पिंक। तो मैं आपको जल्दी से इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे आप देखो ये फोल्डिंग है, उसके बाद ये एक बार और फोल्डिंग है, तो है ना। और ये बिल्कुल ना प्लास्टिक, ये प्लास्टिक मटेरियल है, प्रॉपर सिलिकॉन मटेरियल नहीं है, ये प्लास्टिक मटेरियल है। और उसके बाद ये होता है कि एक्चुअली ये बड़ी चीज़ों के लिए तो है ही है, उसके बाद अगर आप जैसे कैमीज़ वगैरह, इनर, आप अपना कुछ भी ऐसा हैंग करते हो तो वो हमेशा नीचे निकलता है, वो हैंगर पे नहीं टिकता। तो अगर इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, आप इसमें कोई भी चीज़ डालियो और उसके बाद फिर इसको एक बार यहाँ से लॉक कर देंगे, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज़ इसमें हैंग करी, उसके बाद हमने वापस इसको लॉक कर दिया, तो कोई भी आइटम आपका नहीं गिरेगा। तो बहुत ही अच्छा हैंगर है ये, और कलर भी इसके बहुत प्यारे कलर हैं। मैं एक बार इसका साइज़ और मेजर करके आपको बता देती हूँ। इसका पूरा साइज़ है, जैसे ये देखिए गाइस,
यहाँ से इसका पूरा साइज आ रहा है लगभग 18 इंच, ये 18 इंच इसका साइज आ रहा है। तो अच्छा है, इसमें साइज़ की मुझे नहीं लग रहा है इसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। नॉर्मल हैंगर होते हैं वो फोल्डेबल नहीं होते, लेकिन ठीक है वो मीडियम और उससे बड़े साइजेस में आते हैं, ये आपका दोनों ही काम करेगा। तो अगर आपको इसको परचेस करना है तो आप इजीली परचेस कर सकते हो। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली मैं ये ट्राई कर रही थी, शायद ये यहाँ से भी तो फोल्डेबल नहीं है, बट नहीं ये यहाँ से फोल्डेबल नहीं है। उसके बाद हम इसको एक और बार फोल्ड कर देंगे, और इसको आपने ट्रैवलिंग टाइम में आपका ये बहुत हेल्पफुल है, आप इसको ट्रैवलिंग टाइम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो इजीली। तो बहुत अच्छा आइटम है, आपको अगर इस परचेज़ करना है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। तो गाइस इसके बाद मैं नेक्स्ट आइटम आपको दिखाने वाली हूँ, ये है नाइस डे मेटल हुक या हैंगर, आप इसको डोर पर हैंग कर सकते हो। ये दो इसके सपोर्टर साथ में दिए हैं, जैसे कि मैं फिंगर से दिखा रही हूँ, तो ये इन दोनों होल में जाएगा, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड होल हैं, तो इसमें आपको ये फिक्स करने पड़ेंगे। उसके बाद ये किसी भी डोर किसी भी कैबिनेट पर आप इसको नॉर्मली हैंग कर सकते हो। उसका पिक मैं साइड में लगा दूँगी, आपको आइडिया लग जाएगा। और दूसरी बात, इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है, ये देखो 14 इंच के अराउंड इसका साइज़ है, काफ़ी मतलब ठीक ठाक है। और हुक तो आपको देख रहे हो, और साइड में इसका जो साइज़ है मतलब विड्थ वो 3 इंच है इसकी, मतलब एक रफली आइडिया मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो गाइस सबसे बड़ी बात ये है, पोर्टेबल हैंगर है, आप इसको एक डोर पे लगाओ दूसरे पे ले जाओ या कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं जैसे कि हुक वगैरह हैंगर इस टाइप पे, जो कपड़े हैंग करने के लिए डोर के पीछे बैक साइड हम लोग लगाते हैं फिक्स कराते हैं, वो कील वगैरह से होते हैं, मशीन ड्रिल मशीन वगैरह से छेद करके, आपको पता ही है। तो वो वाले जो होते हैं वो एक बार फिक्स हो जाते हैं, बट ये इस टाइप का नहीं है, ये फिक्स नहीं होगा, आप इसको इजीली कहीं भी उठा के शिफ्ट कर सकते हो। तो इसकी सबसे अच्छी बात यही है। तो बस मेरा आज का वीडियो यही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।